अमित शाह। एक बार फिर से हरियाणा का जो उनका दौरा है वो निर्धारित किया गया है, हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है 14 फरवरी को हरियाणा पहुंचेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल के मधुबन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बीजेपी संगठन की बैठक भी लेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि आपको बता दें इससे पहले जनवरी के महीने में भी उनका एक कार्यक्रम था जो गोहाना में एक बड़ी रैली होनी थी और इस दौरान भी बीजेपी के संगठन के जो पदाधिकारी उनके साथ भी बातचीत होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से ही जनसभा को भी संबोधित किया था, मैसेज दिया था। लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए संदेश जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये खबर है कि 14 फरवरी को हरियाणा पहुंचेंगे अमित शाह और करनाल में मधुबन में एक कार्यक्रम में वहां पर शिरकत करेंगे और इसके बाद संगठन के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी संगठन की भी बैठक होगी। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा पिछले महीने ही रहा और हालांकि मौसम खराब होने की वजह से गृहमंत्री हरियाणा नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि जल्द ही हरियाणा पहुंचूंगा, लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 14 फरवरी को हरियाणा में पहुंचेंगे। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा जल्द होने वाला है। 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह जो है हरियाणा आएंगे, करनाल के मधुबन के कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ साथ बीजेपी संगठन की एक बैठक में भी अमित शाह जो है हिस्सा लेने वाले हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 29 जनवरी को गोहाना में एक रैली को संबोधित उनको करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते, बारिश के चलते वो जो है गोहाना रैली में नहीं पहुंच पाए और फोन से ही उन्होंने रैली को शायद संबोधित किया था और ये भी कहा था कि जल्द दोबारा से कोई प्लान जो है वो बनाया जाएगा और हरियाणा के दौरे पर वो आएंगे। तो अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी जो है वो मिल पा रही है कि 14 फरवरी को अमित शाह जो है करनाल के मधुबन के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ, संगठन के जो लोग हैं उनके साथ एक बैठक भी करेंगे। जी, मधुबन में जो कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, वो उस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी है, वो क्या कुछ रहेगा, क्या पार्टी का कोई कार्यक्रम या फिर कोई निजी कार्यक्रम? देखिए हितेंद्र, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि 14 फरवरी को करनाल के मधुबन में जो कार्यक्रम रखा गया है वो किस प्रकार का कार्यक्रम है, या कोई रैली है या फिर किसी निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जरूर है कि करनाल में जो है इस बार गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और तमाम जो बीजेपी के संगठन के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, एक बैठक करेंगे जिसमें मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा और विधानसभा हरियाणा में होने हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि दस की दस जो लोकसभा सीटें हैं वहां तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका दौरा रहने वाला है। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह जो है करनाल के मधुबन के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रवि, तो मुख्य मकसद लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 फरवरी को हरियाणा के दौरे पर पहुंचेंगे